हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सगीता। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि अच्छी हूँ। फ्रेंड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और यूनिक होने वाली फ्रेंड, क्योंकि हम एक पैन बनाएंगे और अलग तरीके से बनाएंगे बिल्कुल फ्रेंड। तो मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने एकदम हल्का गर्म लेना है हमें दूध को, उसमें 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच इस डालकर हम साइड में रख देंगे 2 मिनट के लिए। इधर मैंने 2 कप मैदा, थोड़ी सी नमक, 2 चम्मच चीनी डालकर, पिसी हुई चीनी डालकर इसे मिलाएंगे फ्रेंड। ये देखिए झाग हो चुके थे मेरे, 2 मिनट हो चुके थे फ्रेंड। तो ये अच्छे से फॉर्मेट हो गई थी। अगर आपकी ईस्ट फॉर्मेट ना हो तो आप समझिए कि ये अच्छी नहीं है, इसे इस्तेमाल ना करें फ्रेंड, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इधर मेरा अच्छे से डो लगा लेना है हमें एकदम स्मूथ। 50 ग्राम यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर डाला है, आप यहाँ पर घी या रिफाइंड भी ले सकते हो। तो इस तरह से करके मैंने क्लिंग ड्रेप लगाकर 2 घंटे का रेस्ट दिया है इसे। 2 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड। तो अब इसे निकालेंगे हम और अच्छे से मिलाएंगे हाथों में तेल लगाकर। तो आपको जिस साइज का रखना हो अपना बन, आप उसी साइज का रख लें। तो मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं। इधर मैंने ग्रेट किए हुए गाजर, थोड़ी सी प्याज, तिल, हरी मिर्च, टमाटर, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी शेजवान सॉस, सोया सॉस, अदरक और नमक डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड। थोड़ी सी धनिया थी मेरे पास, मैंने डाल दी। आपके पास ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं इसे। अब इसे हम एक पराठे की तरह, जैसे भरते हो पराठे में, उसी तरह भरना है फ्रेंड। ये स्टफिंग वाली बन है, इतनी अच्छी लगेगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे फ्रेंड। तो इसी तरह से करके मैंने इसे 1 घंटे का रेस्ट दिया था बनाकर। अब इसे हमें उल्टे साइड रखना है, जिस साइड आपने इसका चोच बंद किया था उसी साइड हमें उल्टा करके ऊपर में ही इसको डालना होगा। नीचे हम नीचे का स्टेप डालेंगे और इसे हम मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे फ्रेंड। बहुत अच्छे से ये गोल्डन फ्राई हो जाएगी, गोल्डन कलर की, तभी हमें निकालना है इसे। आप एक बार खाओगे तो इसे बार बार बनाना चाहोगे फ्रेंड, इतना अच्छा लगेगा कि, और बच्चे क्या बूढ़े भी आराम से इसे खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड कितना नरम बना है ये। ट्राई ज़रूर करें ये रेसिपी, ये मेरी खुद की रेसिपी है। मैं सोचती रहती हूँ कि अलग अलग कुछ कुछ बनाऊँ आपके लिए। तो कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर फ्रेंड। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।